हेलो दोस्तों, हमारे चैनल घर का खाना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत में लोग स्ट्रीट फूड खाने के काफ़ी शौकीन होते हैं। ख़ास तौर पर उत्तर भारत में दही भल्ला बहुत पसंद किया जाता है। इसे फेस्टिवल्स पे भी बनाया जाता है, दिवाली और होली के मौके पर भी खूब बनाया जाता है। खास बात यह है कि ये घर पर आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्रियों की मदद से भी बनाया जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दही भल्ला बनाने की आसान रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 5 से 6 घंटा भीगी हुई 1 कप धुली उड़द दाल। आप इसका पेस्ट बना लें। तेल, 2.5 कप दही फेटा हुआ, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून जीरा पाउडर रोस्टेड, 2 टीस्पून हरा धनिया, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, गार्निशिंग के लिए चाट मसाला। तो दही भल्ला बनाने के लिए सबसे पहले दाल को अच्छी तरह से फेंट कर अलग रख लें ताकि वो हल्की और फूल जाए। अब तेल गर्म करके मीडियम आंच पर भल्लों को गर्म तेल में गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करें। वड़ों को तलने के बाद तेल से बाहर निकालें और एक बाउल में पानी में 1/2 चम्मच नमक मिलाकर सभी वड़ों को इसमें भिगो दें। बाकी बचे हुए बैटर से भी इसी तरह से वड़े बना लें। अब स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती और काले मिर्च दही में मिलाएं। अब तले हुए भल्लों को पानी से निकाल कर हल्के हाथों से निचोड़ लें और उन्हें दही में डाल दें। अब बाकी बचे जीरा पाउडर, धनिया पत्ती, मिर्ची पाउडर, काला नमक और चाट मसाला डालकर गार्निश करके सर्व करें। तैयार है घर पर बने टेस्टी दही भल्ले। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।